हे गाइस, वेलकम बैक एक नए वीडियो में। तो आज है एक और अनदर डे ऑफ डेली व्लॉग्स और हम लोग जस्ट अभी उठे हैं और निमिषा कुछ बनाने की कोशिश कर रही है बेचारी, पर बना नहीं पा रही। बना पा रही हूँ मैं। क्या बना रहे हो? भेलपुरी बना रहे हो? सुबह से भेलपुरी खाएगी? अरे भेलपुरी नहीं, इसके पीछे मिसली का पैकेट पड़ा, ये ढूंढ रही थी। अभी हम लोग सोच रहे थे कि अभी क्या खाना खाया जाए, ब्रेकफास्ट में क्या किया जाए, क्योंकि निमिषा कह रही है मैं 3-4 दिन से रोज ऑमलेट ब्रेड खा रही, तो इसलिए मेरा कुछ अलग खाने का बना था। इसलिए ये क्या म्यूसली गिरेगा? देख वहां गिरेगा दूध। मोहन गरम हो रहा है, क्या करूं? आप हेल्प तक नहीं करते हो, आप सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट बना के चले जाते हो। मैं कितनी छोटी सी बेचारी बच्ची हूँ। गरम है, थोड़ी देर यहाँ रख दे। इधर जैसे दुल्हन चल के आती है ना, इधर रख दे दुल्हन। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, स्पून नहीं है। अब अपने बर्तन कर दे जरा। अच्छा, अपने बर्तन कर दूं? सारे मेरे बर्तन है ये। कल मैंने 3 बार बर्तन करे फिर भी ये बच गए। बर्तन तैयार होंगे ही, जितनी बार खाओगे उतनी बार बर्तन होंगे। ऐसे कौन डालता है? इसने पैकेट के अंदर हाथ डाल के मूसली निकाल ली। यार ये इतनी सी बची है, ये नहीं खाएगा, इसलिए आई मेड इट डर्टी। निकाली, दिखा कैसे निकाली। यार ऐसे कौन निकालता है? और गंदे हाथ हो रहे हैं तेरे, अंदर डाल दिए। छी, आई एम द शेफ ऑफ द हाउस, आई एम ऑलवेज क्लीन। चल काम कर, दिख रहा है वो शेफ ने ऐसे नहीं करते, अंदर हाथ डाल देते हैं सीधा। तुम बाहर ढाबे पे खाना खाते हो ना, उसका सारा स्वाद इन हाथों का ही होता है। लेकिन सच में मेरे हाथ क्लीन है, मम्मी का साम। मैं क्या बनाऊं? ओट्स ही बना लेता हूं आज। अरे हाय, जब देखो एक सेम चीज खाता रहेगा। अली तो वैसे ओट्स खाए हैं यार, भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाने का मन है। पर इसका अच्छा ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटीन मिला के कुछ और मील होएगा। प्रोटीन क्या मिलाना है? प्रोटीन सिर्फ ओट्स में डलता है, हर चीज में थोड़ी प्रोटीन डलता है। और प्रोटीन खाना चाहिए, आप लोग भी खाया करो, मम्मी पापा को भी खाना चाहिए। हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, हर किसी को प्रोटीन खाना चाहिए ज्यादा, कम से कम 100 ग्राम पूरे दिन में। अभी ध्रुव ने रिसेंटली ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग स्टार्ट कर, ध्रुव के दो दो क्लाइंट्स इकट्ठे हो गए हैं, है ना? Congratulations! और गाइस, अगर आप में से किसी को अगर चाहिए कोचिंग या कुछ, तो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं फिर से अपने ओट्स बना रहा हूँ और तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा बनाने का। तो ऑमलेट बनाऊ बट कल ही खाया। ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, आपने खा लिया? यस सर। ध्रुव को पिछले 1.5 घंटे से मैंने बोला है कि अब टीवी बंद कर दे, उठ जा, कर ले, फिर ये बाद में चिड़चिड़ करता है कि अब मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है। पूरी चटाई बिछा के इसने ऐसा माहौल सेट करा। मैं क्या हुआ, जा तो रहा हूँ जिम यार, मन नहीं कर रहा, लस आ रहा है। मत जा, उतार इसको। बाकी अच्छा मौसम हो रहा है, वाओ धूप देखो। बर्तन इतने सारे हैं, किसके लिए छोड़ के जा रहा है? छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, आगे करूंगा मैं, मुझे ही करना ही है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। इसका 1-2 दिन का था कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं जिसमें से 2 दिन ये करता है और 5 दिन मैं दिन में 10 बार बर्तन करती हूँ। ये बिल्कुल मेरी मदद नहीं करता और ये ऐसे देखो ऐसे लुक्स देके निकलता है कि मेरे को जिम जाना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम। बिजी हूँ मैं, मुझसे बात मत करो अभी। आज ग्रोसरी भी लेने जाना है, इट्स द आज बहुत मुश्किल दिन है। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ग्रोसरी तो लेनी है, हर 2 दिन में 3 दिन में लेने जानी पड़ती है ग्रोसरी। पर इट्स फन, मजा आता है। ये वीडियो देख के ऐसे मत सोचना कि हम बहुत परेशान हैं और ये वो, हाँ कभी कभार हो जाते हैं परेशान, दिस इज द लाइफ जो हमने चूज करी, जी रहे हैं उसको। जोक्स अपार्ट, अगर कुछ अच्छा करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है बहुत सारी चीजों में, हमें मजा आता है कभी कभार ये सब करके, तो आता है मजा। ठीक है भाई, अब और क्या, हम तो वही करेंगे जो हमारा पति करेगा, जहाँ हमारा पति वही हम। मैं तो ध्रुव की पूंछ बन के घूमना चाहती हूँ, मेरी पूंछ। बन पीछे लग फिर पूंछ है तो ध्रुव चाहता है। कल मैंने बनाई थी बहुत टेस्टी सब्जी और वो अभी एक सर्विंग पड़ी है और मुझे लग रहा है वो मैं ही खाने वाली। भाई बहुत अच्छी बनाई थी कल निमिषा ने, बनाई थी गट्टे की सब्जी, मजा आ गया एकदम। खा दे सब्जी इतनी अच्छी बनी जो, चलो दिखा देती हूँ। दैट्स आवर राजस्थानी गट्टे की सब्जी। भाई खुशबू आ गई एकदम से नाक में, भूख लग गई। और जब मैं बर्तन धो देती हूँ, ठीक है? तो चल, अगर मैं इतना होता तो ऐसे सब कुछ ऐसे अजीब अजीब दिखता है, दुनिया थोड़ी नीचे जाती है ऐसे। इतनी बदतमीजी करता है, तेको पता है तू मेरे से इंसल्ट करता है, यू कॉल मी शॉर्ट। नहीं ये भी बेशीजी। देख जैसे तू ये सामान उठाती है, जैसे मैं उठाता हूँ ऐसे नॉर्मली हूँ, तो अगर उठाएगी तो तेरी हाइट इतनी है। तो इसको ऐसे ही उठाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से कुछ काटेगी तो ऐसे ऐसे काटेगी, मैं काटता हूँ तो ऐसे ऐसे काटता हूँ, आप ऐसे। मेरे हिसाब से ना ऐसे ही काटती हूँ। इस हाइट पे कुछ काम करना,
बर्तन भी धोना है यहाँ पे, ऊपर उठना तो तेरा हाथ ही ज्यादा होगा ऊपर, और ऐसे अगर अगर इतनी हाइट होती है तो हक करती है तो ऐसे होती है हक। बहुत बदतमीजी कर रहा है, बहुत मजाक उड़ा रहा है। पार्सल आया आपके नाम का? हाँ, मुझे पता है क्या आ रहा है। आ रहा है अभी ऊपर डांक के चो। इन्हें मिशक आ गया पार्सल। क्या मंगाया आपने? थैंक्स। तो आप लोग जैसे कब से पूछ रहे थे ना कि ध्रुव हमें कैसे मिले, हमारी स्टोरी क्या है, तो इस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा उसका ग्लिम्स है, आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन ये मैं यूट्यूब में नहीं दिखाने वाली हूँ, आपको मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट करना पड़ेगा उसके लिए। वैसे ये मेरा ब्रांड कोलैबोरेशन पार्सल है और इसमें बहुत क्यूट और बहुत प्यारा सा कस्टमाइज गिफ्ट है। ये लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं, आपको मेरा इंस्टाग्राम चेक करना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्ट देखना है कि इसके अंदर क्या है। आपके साथ मेरा भी इंस्टाग्राम चेक कर लेना, मैं भी डाल दूंगा। तो अभी मैं जिम इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे शाम को कुछ काम है, और निमिषा अभी जिम नहीं जाएगी, वो शाम को जिम जाएगी क्योंकि उसको ऐसे दिन में जिम जाने में तो मजा नहीं आता। तो फटाफट से चलते हैं जिम, और आज बड़ी सही धूप निकली हुई है, आज मैं करने वाला हूँ बैक एंड एब्स, तो फटाफट से वर्कआउट खत्म करके आते हैं वापस। तो जब तक ध्रुव जिम गया है मैंने सोचा मैं जाके ग्रोसरी ले लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम बचेगा और ध्रुव मुझे नीचे मिल जाएगा बिल्डिंग के, जब तक मैं ग्रोसरी लेके आऊंगी और वो लिफ्ट करवाने में हेल्प कर देगा। बाकी बर्तन मैंने कर दिए थे लेकिन एक दो मैं ध्रुव के लिए छोड़ के आई हूँ ताकि वो भी थोड़े से बर्तन कर दे, उसका लंच भी रेडी है। आई होप आज का दिन थोड़ा सा स्मूथ जाए, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो कि दिन भर में सारे काम निपटा दो सो दैट यू कैन स्पेंड योर इवनिंग प्रीटी वेल, इट्स अ वेरी बैड डे टू नॉट अप्लाई सनस्क्रीन। तो वर्कआउट हो गया खत्म और मैं निकल गया हूँ जिम से। अभी निमिषा शायद ग्रॉसरी लेने गई है, तो मैं भी शायद डायरेक्टली अभी वहीं जा रहा हूँ। कहाँ ढूंढूँ, कहाँ गई है? हाँ जी, ले लिया सारा सामान, बस 10% बचा है बस। अभी मैं इसको ढूंढ रहा था कहाँ पर है, इसने ऑलरेडी बिलिंग करा ली। तो अभी हमने यहाँ से थोड़ा सा सामान लिया है और जो बाकी बचा हुआ सामान है वो हम इस वाले स्टोर से लेने वाले हैं। क्या ले रहा? आलू। आलू ले रहे हैं यार, मुझे नहीं पता था कि आलू भी बहुत तरीके के होते हैं और उसमें अलग अलग टेस्ट आता है। ये देखो ना, ये अलग तरीके का आलू है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और इनका टेस्ट भी अलग है, इनका टेक्सचर भी अलग है। हो गया, चलो चलो। और फिर जिम कैसा था आपका? जिम सही था, खाली था, इस टाइम तो कोई आता नहीं है, तीन चार लोग ही होते हैं बस। और कोच के बिना कैसे ट्रेन कर लिया था? कोच के बिना मैंने सब अच्छे से कर लिया, मैं सब सीख चुका हूँ, मुझे कोई कोच वोच की जरूरत नहीं है। ऐसा निकालूंगी ना दखल अंदाजी, नहीं क्या कहते हैं उसको, दखल अंदाज नहीं, बेदखल, देखो बेदखल करूंगी। बाय द वे मैं जिम से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो अगर आप लोगों को, और बहुत अच्छा कंटेंट डालता है, इट्स सो बेनिफिशियल एंड इट्स बिगिनर फ्रेंडली, तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए जिम रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो कि मैं वहाँ पे काफी रेगुलर रील्स और काफी इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं जस्ट अभी घर, और इतनी गर्मी की वजह से आज हमारा कूलर साफ हो रहा है, निमिषा कर रही है कूलर साफ, ये कूलर में धूल। और अभी मैंने अपना बनाया लंच क्योंकि निमिषा तो कर चुकी है, मैंने थोड़ा सा फ्राइड राइस निमिषा ने वीडियो बना दिए थे और चिकन मैंने बनाया है, तो मेरा लंच तो हो जाएगा। हो गया साफ? हाँ। चला दो, पंखड़ी साफ करी है, अब चलो इसको ऑन कर दिखाओ। ऑन दिखाना क्या करो, ऑन इसमें जल्दी करो, गर्मी लग रही है। भाई तो सही हवा दे रहा है ना, और याद ही चलेगा, बस बन जाएगा, कल फिर गर्मी कम हो जाएगी, कल बन जाएगा, ऐसे ही है यहाँ का हिसाब। वैसे जब ध्रुव जिम गया था इसका भी एक पैकेट घर पे आया, ज्यादा इन्फ्लुएंसर बन के दिखा रहा है ध्रुव हमें। मेरा क्या पैकेट है दिखा, ये तो वो है, हम लोगों ने नए कर्टन्स मंगाए, ये कर्टन ब्लैकआउट कर्टन है, लाइट बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि सुबह 5 बजे उजाला हो जाता है और धूप आ जाती है 6 बजे, सुबह वो दिक्कत होता है कि नींद जल्दी खुल जाती है, तो इसलिए हमने ब्लैकआउट कर्टन मंगाए, इसको खोल के लगा के देखते हैं, इसको लगाना टास्क है, वो पूरा खोलना पड़ेगा ऊपर। मैडम देखो इसका पल्लू जाएगा ऐसे, इसकी क्रीज हटाने के लिए हमें वो स्प्रे खरीदना पड़ेगा। कौन सा स्प्रे? वो स्टीम वाला जो आता है,
यार प्रेस कर दे इस पे, इस पूरे पे प्रेस कर दे, बैठ के एक दिन पूरा एक दिन लगेगा तेरे को प्रेस करने में। तो खाना वाना खाने के बाद बर्तन साफ कर दिया है, किचन पूरा क्लीन कर दिया है, एकदम मस्त साफ हो चुका है। और मैंने आपको बोला था कि कूलर जो चलाया है हमने ज्यादा देर चलेगा तो है नहीं, क्योंकि गर्मी ज्यादा देर रहेगी नहीं। सही प्रेडिक्ट करा है ग्रुप ने। और ये देखो बाहर का मौसम अभी कैसा हो गया है, मस्त बारिश हो रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है अब, मतलब कहीं भी नहीं लग रहा कि अभी बहुत तेज धूप थी और बहुत तेज गर्मी थी कि कूलर की जरूरत थी। तो अभी मैंने सोचा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे घर पे कोई पार्सल आया और वो उसी वक्त ना खुले, और वो घर का सामान हो तो हो ही नहीं सकता ध्रुव, उसको तो जो हमने ध्रुव उसको डिसइंफेक्ट करके लगाए ना। अब इसको इतनी खुजली मच रही है, पर दिल गए। जो पर्दे हमने मंगाए हैं वो अब लगाने का टाइम आ गया है। तो हम लोगों ने जो सोचा था वो ये सोचा था कि हमने बेडरूम के लिए अलग पर्दे मंगाए थे और वो कर्टन्स जो बेडरूम में ऑलरेडी हैं उनको हम निकाल के हैं लिविंग रूम में लगाएंगे, पर उससे पहले उनको धोना जरूरी है। जो नए वाले पर्दे आए हैं अभी वो लगाते हैं चल के। चलो स्टूल लेकर आओ जल्दी जाओ। मैं काम नहीं करूंगी कोई। कॉपीराइट आ जाएगा। तो स्टूल लेके आ गए, लेकिन अगर चाय बिस्कुट खाए। हाँ बना ले, चाय बना ले, मस्त मौसम हो रहा है। देखा मैंने कहा था ना भूखा है, मैं नहीं बना रही चाय विद बिस्किट। मैं नहीं बनाऊंगी। आज ही इसने मेरा मजाक उड़ाया ना मेरी हाइट के बारे में। क्या हो गया, तुम तो दो दो स्टूल लेके बैठे हो फिर भी हाथ नहीं पहुंच रहा क्या? और बड़ी वाली चाहिए, रुक चेयर लेकर आता हूँ। By the way, ये था वो IKEA का परचेज जो हमने आप लोगों के साथ लिया था। सबसे बात करती हूँ तो बीच में आ जाता है ये। हाँ हमने ये लिया था, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारी IKEA की वीडियो देखना जिसने नहीं देखी है। लग गए हैं अच्छे एकदम बढ़िया, बस इस पे थोड़े से जो रिंकल आ रखे हैं इसके लिए हमें स्प्रे लाना पड़ेगा जो रिंकल हटा देगा। बट कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। तो ध्रुव के एस्थेटिक्स के साथ ये रिंकल नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे जर्मनी में ना मैंने एक देखा था हैक, काफ़ी सारे स्टोर्स में ना एक स्प्रे मिलता है फिस फिस वाला, उस पर लिखा होता है कि कोई भी टी शर्ट या कुछ भी ऐसा मंदा हुआ कपड़ा जिसमें बहुत सारे रिंकल्स हों, जस्ट स्प्रे दैट स्प्रे ऑन इट और वो रिंकल्स हट जाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं उस पर आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट वो स्प्रे लेके आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे तो आप लोगों से पक्का शेयर करेंगे। तो पर्दे लग गए हैं और अभी हो गया चाय ब्रेक, मस्त मौसम हो रहा है, मौसम के साथ चाय और बिस्किट और घर पे बातें। वीडियो में आ रहे हो आप? मम्मी मना कर रही है, कह रही मुझे वीडियो मत लो। ये तो कौन से जूते पहनती है? कौन से? एयरफोर्स? हाँ वो पहन सकती है सिर्फ उसी के लिए, पर वैसे नहीं भाई, मैं स्नीकर्स पहन के जाता हूँ जिम, देख मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स शूज पहन के जा सकती है, पर लेकिन जब स्क्वाट्स करते हैं या जब लेग्स करते हैं ना तो नीचे से जूते फ्लैट होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज सही नहीं होते जैसे होते हैं। हाँ या फिर नंगे पैर करो सबसे बेस्ट होता है, पर यूजली वो फ्लैट वाले जैसे कॉन्वर्स होते हैं और ये वैंस होते हैं, ये जूते सबसे अच्छे होते हैं। और जो न्यू बैलेंस वाले जूते हैं वो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ध्रुव दूसरा पर्दा बाद में लगाए, लगेगा सब अभी इसी वक्त, बाद में टाइम नहीं मिलता फिर। तो पर्दे तो मैंने लगा दिए हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि निमिषा अंदर किचन में काम कर रही तो सारा मेरे को अकेले करना पड़ा। बट काफी अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि पहले अगर आप नोटिस किया तो हमारे लिविंग रूम में पर्दे आधे थे और अभी फुल नीचे तक लगा दिए हमने। पहले आधे पर्दे थे अब वो नीचे तक हो गए हैं। और पर्दे देख लो आके देखने, तो क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? जो काली दाल होती है ना अमां छोले वाली दाल जो बनती है, मैं उसको ये 6-7 वॉशेस के बाद जाके ये ऐसे दिख रही है। बाप रे, ये दाल में से निकल रहा है? हाँ, मतलब ये मैं 6-7 बार वॉश कर चुकी हूँ, और जब मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ ना जैसे धनिया में से मिट्टी निकलती है ना, वैसी मिट्टी निकल रही है कॉर्नर्स पे। ये दिख रहा है? ये देख यार, ये दाल में से ऐसी मिट्टी निकलती है, मतलब निकलती भी है तो कितनी बार धोया आपने? ये 8 टाइम हो रहा है। 8वीं बार धोया है फिर? हाँ, भी हाँ। भाई मुझे लग रहा है कलर निकल रहा है दाल का, दाल खराब इतना नहीं होता। हमने पहली भी तो बनाई है ये ब्लैक वाली मां छोले की दाल,
मुझे लग रहा है तो इसमें दाल में गड़बड़ है कुछ, होता तो नहीं है यार, पर लेकिन इस दाल का रंग उतर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। सच बता रहा हूँ मैं, इसमें वो चढ़ाया हुआ है रंग, अंदर से ग्रीन दाल दाल निकल रही है। देख अंदर से ग्रीन दिख रही है मेरे को दाल, ये काली दाल तो भैया लेना ही मत। गाइस अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, और अगर जर्मनी में ऐसा हुआ है तो वो भी बताना कि अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है या किसी और दाल के साथ अगर किया है तो। हाँ जी, तो डिनर बन गया, पापड़ बन रहे हैं। जैसा आपको पता है कि दाल हो गई थी ख़राब, तो हम लोगों ने निमिषा ने येलो दाल बनाई है और सोयाबीन की सब्जी। तो ये है येलो दाल और ये है सोयाबीन की सब्जी। डाल दूँ मैं? हाँ जी। आपके लिए तो चावल बहुत है। अरे बाबा मुझे और नहीं चाहिए, मेरे बस है। इसको मैंने काट के ये लग रही है बढ़िया एकदम मजेदार सोयाबीन और मटर। थैंक्स। तो सोयाबीन यूजुअली मैं अपने लिए बनाती हूँ और ध्रुव अपने लिए चिकन बनाता है। आज इसको आलस आ रही थी, इसने पूछा कि मैं आपका सोयाबीन में से आलू ना पक जाता चिकन खा खा के ना, भूख भी लग रही है, बनाने का टाइम थोड़ा है नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही था, हम लोग डिनर कर रहे हैं बस, और आज का दिन ख़त्म। कल फिर से कुछ और आपके लिए लेकर आएंगे, तो वी होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। फिर तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय, सी यू देन।